बुधवार की सुबह हिंदी सिनेमा के मेगा स्टार दिलीप कुमार का निधन हो गया। बॉलीवुड की ट्रेजरी किंग ने मुंबई के एक अस्पताल में सुबह करीब 7:30 बजे अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार की उम्र 98 साल थी। वो पिछले काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। पिछले एक महीने में ही दिलीप कुमार को 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार को शाम 5 बजे मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि दिलीप कुमार के निधन के साथ ही हिंदी सिनेमा को बड़ा झटका लगा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बॉलीवुड के दिग्गजों ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया और इस दिग्गज को अंतिम सलाम किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई किंवदंती के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण पीढ़ियों के दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना, श्रद्धांजलि। बात की जाए दिलीप कुमार के नाम और जन्म की, तो दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। दिलीप कुमार ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1944 में फिल्म चार भाटा से की थी और इस फिल्म को बॉम्बे टॉकीज ने प्रोड्यूस किया था। दिलीप साहब लगभग 5 दशक तक पर्दे पर नजर आए। उन्होंने 65 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। दिलीप कुमार अंदाज, आन, दाग, देवदास, आज़ाद, मुगले आजम, गंगा जमुना, राम और शाम जैसे फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कि दिलीप कुमार को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा फाल्के जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।